हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शौमी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक DIY। मेरे खुद के एक टी शर्ट के ऊपर DIY किया है, वो मैं कैसे करके किया और कहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरे चैनल पे बहुत सारे DIYs है, उनमें से दो DIYs का मैं नाम लेना चाहती हूँ। मैं दो साड़ी के ऊपर DIY किया था, एक किया था मैंने स्टिचिंग के ऊपर और दूसरा मैंने किया था फैब्रिक के ऊपर। वो दोनों DIY में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया है, तो इसीलिए मैंने कि कुछ अलग किया जाए। तो इसीलिए टी शर्ट के ऊपर मैंने स्टिचिंग और फैब्रिक दोनों मिला के कुछ अलग करने की ट्राई किया है। आई गेस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और कुछ आइडिया आपको भी मिलेगा। तो चलिए, ज्यादा बात अभी मैं नहीं करूंगी, चलते हैं और देखते हैं वीडियो और मैं कैसे करके ये पूरा टी शर्ट डिजाइन किया है वो मैं बताऊंगी। और ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर एंड लाइक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस DIY के लिए मुझे चाहिए एकदम बेसिक और सस्ता वाला टी शर्ट जो कि मैंने वाइट कलर में लिया है, और मुझे चाहिए कलरफुल बटन्स, और मैंने लिया है फैब्रिक ग्लू थ्रेड, और मैंने लिया है एक्रोलिक पेंट। ये सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट जो चीज़ मैंने किया वो है एक A4 साइज पेपर में जो इमेज में बनाऊंगी वो प्रिंट कर लिया है। तो मैंने इधर एक हॉट एयर बैलून का इमेज लिया है और उसको टी शर्ट के अंदर डाल के मेजरमेंट करके उसका एक आउटलाइन ट्रेस कर लूँगी। इससे मेरा इमेज एकदम परफेक्ट होगी और मुझे DIY करने में भी आसानी होगी। आप कोई भी टेक्निक यूज़ करके ये ट्रेस निकल सकते हो। तो अभी मेरा ये इमेज टी शर्ट के एकदम मिडल में है, तो चलिए अभी इसको ट्रेस करते हैं। ये जो ट्रेस अभी मैं कर रही हूँ वो टेम्पररी है, इसीलिए मैं इधर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप पेन से करोगे तो टी शर्ट खराब होने का चांसेस है। ट्रेस हो जाने के बाद मैं इधर कलरफुल प्लास्टिक बटन्स पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के लिए मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने इधर मल्टी शेप्ड बटन लिया है जो कि मुझे पाउंड स्ट्रेचर में मिला था। एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि ग्लू ज़्यादा नहीं डालना है और नीचे कुछ प्लेस करके ही पेस्ट करना है, नहीं तो टी शर्ट के दोनों साइड आपस में चिपक जाएगा। सारे बटन्स मैंने लगा दिया है और देखिए कितना सुंदर दिख रही है, और बैलून का शेप भी बराबर से आ गया। बटन ग्लू से पेस्ट करने के बाद उसको और भी सिक्योर करने के लिए मैं इसको स्टिच कर दूंगी। स्टिच करने के लिए मैं एक लाइट कलर का थ्रेड चूज किया है ताकि वो कलरफुल बटन से ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो जाए।
थ्रेडिंग का काम हो जाने के बाद अभी जो मुझे करना है वो है ये नीचे का पार्ट एक्रोलिक पेन से पेंट करना है। तो इसीलिए मैंने नीचे एक पेज बोर्ड डाल दिया है ताकि कलर दूसरे साइड पे ना लग जाए। और अभी इधर जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वो है गोल्डन और ब्लैक कलर। आप कोई भी कलर इधर यूज़ कर सकते हो। फैब्रिक कलर ड्राई हो जाने के बाद टी शर्ट अभी बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब देख ही सकते हो कि एक नॉर्मल और सस्ता टी शर्ट को मैंने कैसे कलरफुल और गॉर्जियस बना दिया है, वो भी बिल्कुल कम टाइम में। मुझे ये आइडिया पिंटरेस्ट से मिला था। आप भी अपना टी शर्ट ऐसे खुद डिजाइन कर सकते हो। मैं ये चीज टी शर्ट के ऊपर ट्राई किया है। आप बैग, टेबल क्लॉथ और कुर्ती पे भी ये ट्राई कर सकते हो। और पहनने के बाद देखिए ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने इसको नॉर्मली विद अ डेनिम जीन्स एंड विद अ डेनिम जैकेट ट्राई किया है और दोनों ही कम्बिनेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये आइडिया और ये DIY आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।